वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आती, अराउंड वन मंथ हो गया, क्योंकि मैंने अपनी आर आर 310 जो है सेल कर दी थी। और थंबनेल और टाइटल से आपको पता लग गया होगा, मैंने ऑन कर लिया है मेरी पहली सुपर बाइक। भाई बहुत टाइम से इंतजार था यार एक सुपर बाइक ऑन करने का, बचपन से। हाँ ठीक है यार, सब ऐसे कर हो गया यार, सुझाने दो। सो गाइस, मैं कर रहा था बाइक अपनी बाइक की बात। तो गाइज, हमने जो बाइक ऑन की है वो बहुत ही सुपीरियर। ये मेरी यार एक चीज़ ना, मैं निकल जाता यार। सब ऐसे करोगे तो मेरा कैसे चलेगा? इसके आगे बना क्यों रहे हो? अरे यार जनता को बताओ भाई, बाइक कौन सी है, तब मैं बता रहे यार। सो गाइज, फाइनली हमने ऑन कर ली है बेनेली 600 आई। सो इसके मैं सबसे पहले दिखाता हूँ आपको सिनेमैटिक्स, साथ साथ बात करूंगा इसके स्पेसिफिकेशंस की। गाइस, सिनेमैटिक कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। और अब बात करते हैं इसके स्पेक्स की। तो भाई देखो, 600 सीसी में एक यही बाइक है जिसमें 4 सिलेंडर इंजन आता है, लेकिन पावर भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो पावर आउटपुट इसकी आती है 83 अराउंड bhp और 53 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। और बात करो अगर इसके पावर डिलीवरी की चलाने में, सो मैंने इसको जब ऑन की, मतलब दिल्ली से लाने सरस्वती मोटर से, सो वहाँ से यहाँ तक जो मैं लाने को मिला है, ये मान लो इसकी पावर बहुत ज़्यादा वैसी नहीं है कि एकदम से टोटल देते ही आपको बढ़िया आउटपुट मिले। बहुत ही ज़्यादा लीनियर, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही लीनियर कुछ ऐसी लगी मेरे को ये पावर। दो जाते लेकिन जब बहुत ज़्यादा आरपीएम चढ़ता है ना, उसके बाद इसमें पावर फील होती है। तो कहते हैं कि इसकी ब्रेकिंग जो है, ब्रेकिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन मुझे तो भाई काफ़ी अच्छी लगी। कहते हैं बहुत पंची ब्रेक नहीं है, लेकिन मेरे को काफ़ी सही लगा, मतलब सही रुक जाती है। और फिलहाल मैं बताऊँ, इसमें लगे हुए हैं SC प्रोजेक्ट के, ठीक है। तो इधर ऐसे प्रोजेक्ट लगा हुआ है, सो भाई काफ़ी सही लुक दे देते हैं, लेकिन मैं इसको स्टॉक ही करने वाला हूँ, क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा चलान वाला सीन हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे को चलान वाला जाए पहली बाइक पे, ठीक है। तो मेरे को इसका जो स्टॉक एग्जॉस्ट है वो भी मिल जाएगा कुछ टाइम बाद। विपिन भैया ने कहा था सरस्वती मोटर से कि कुछ दिन में आ जाएगा, सो उसके बाद मैं इसको स्टॉक कर दूंगा एग्जॉस्ट को, और इसकी टेल टाइडी भी आ जाएगी, उसको भी स्टॉक लगाएंगे। सो सबसे ज़्यादा जो इशू आने वाला है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को आने वाला है इसकी कॉर्नरिंग में, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा कि इससे कॉर्नर हो पाएंगे। बहुत ज़्यादा हैवी है, 200 किलो अबाउ है इसका वेट। सो अभी किया भी ट्राई है तो एक साइड सही जाता है, एक साइड थोड़ा अजीब जाता है। तो और नई गाड़ी ली आपने, थैंक यू भाई। सो गाइस, अब जो ज़रूरत है सुपर बाइक भी आ गई, ठीक है। सुपर बाइक की स्प्लेंडर मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर डिलीवरी नहीं है, ठीक है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपोर्ट करें, जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को बताएं, करें। वीडियोस मेरी अच्छी लगती हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।